देना चाह रहा था कि कल 18 तारीख को खेड़ी चौकता के अंदर हम हजारों ट्रैक्टरों के साथ कल 18 तारीख को कूच करेंगे बॉर्डर के ऊपर, हजारों ट्रैक्टरों के साथ। अभी तक हरियाणा एक्टिव नहीं है, लेकिन कल तो हरियाणा खेड़ी चौकता में इकट्ठा होके ये बताएगा, वो जो आंदोलन करने वाले साथियों से बातचीत करके 18 तारीख ने तय करेंगे, वो ये कहेंगे खनौरी बॉर्डर तोड़ना है तो खनौरी तोड़ांगे, और जो वो कहेंगे दिल्ली बॉर्डर तोड़ना है तो दिल्ली तोड़ांगे, और सरकार को ये दिखा देंगे। अरे भैया ने रिया करण की आवाज के ऊपर आप लोग जितने भी साथी आए हैं, नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सारे मुख्य साथी हरियाणा के आपके बीच में बैठे हैं, कई किसान संगठनों के नेता आपके बीच में बैठे हैं, और जनता सरकार मोर्चे के लगभग सभी मुख्य साथी आपके बीच में बैठे हैं। सारे भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। शॉर्ट में बात मैं बताने लग रहा हूं आपने कि किसान आंदोलन के दौरान हमारे बहुत सारे साथियों को जेल के अंदर बंद कर दिया है, जिसमें कुछ साथियों का हमने नाम पता चलिया है, अभी एक चौथे साथी का भी पता चलिया। पहला हमारा साथी जनता सरकार मोर्चे का मुख्य साथी भाई अक्षय नरवा, भाई परवीन है मदीना गांव से, भाई वीरेंद्र है कोयल गांव से, और एक रवि भाई है कोई पंजाब का कोई युवा साथी है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में कोई फर्क नहीं, वो भी हमारा भाई है। साथियों भाई अक्षय नरवा 12 तारीख ने 13 ने मैं वह बात बताऊंगा फिर बीच में बोले मैंने महाराज जी को 12 तारीख ने मीटिंग में चंडीगढ़ में अक्षय नरवाल उस टेबल के ऊपर बैठा था जहां सरकार के साथ बातचीत करनी थी, और बातचीत के बाद वह 13 तारीख ने यहां आया खनौरी बॉर्डर में डिसिप्लिन बनाने खातर, और वो अपनी गाड़ी के पास ना उनने कोई पत्थर फेंका ना कोई तोड़ फोड़ करी, अपनी गाड़ी लेने खातर परवीन मदीना वाला भाई और वह दोनों गाड़ी का धोरे गए थे, उनको पीटा गया मारा गया फिर उनको जेल में भेज दिया गया। अभी स्थिति यह है कि सारे के ऊपर 307 की धारा ला रखी है, साथ में खालिस्तानी के नारे खालिस्तान के नारे लाओ यह बात लिख रखी है FIR में, साथ में ये लिख रखा है कि भाला ले रहा था, साथ में अस्थिपूर्ति अधिनियम या पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने खातर, मतलब कोई चीज इसी छोटी नहीं, 302 के अलावा तो एक भाई का था, अब 302 ला दो मैं 302 ये बोले को नहीं, 302 में तो ये साबित करना पड़े मानस मरिया है, इनमें तो साबित भी नहीं करना पड़े, कहने का मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक। अभी हालत ये है एक तरफ सरकार बातचीत करी है, दूसरी तरफ हमारे साथियों को जिंदगी जेल में डाल रखे है, सारे के सारे जितने हमारा संपर्क हुए सारे परिवार आपके बीच में बैठे हैं, और आज कल हमने ये निर्णय लिया था कि हम यहाँ के DCSP को ये बतावा कि ये जो बच्चे आपने गिरफ्तार कर रखे हैं वह शून्य नहीं है, उनके साथ में हरियाणा की पूरी जनता खड़ी है, उनके भी परिवार है, अगर इस तरीके से आतंकवादी बनाने लगे हमारे बालकान है तो ये तो गलत ठाकी भी लिख देंगे भाई पुलिस थाने के ऊपर गाड़ी चढ़ाओ था, गलत बात है। तो आज जो कार्यक्रम कर रखा है, आज इस बात के लिए कार्यक्रम कर रखा है कि जितने हमारे भाई है कल सरकार के साथ बातचीत होनी है, उस बातचीत से पहले हमारे भाई बाहर होने चाहिए भाई, गलत है क्या? आज का समर्थन अलवर CID के साथी प्रशासन के साथी, अभी मैंने SP साहब के पास भी फोन किया था आने के बाद, क्योंकि CID आ रही कई बोले SP साहब वहां बॉर्डर के ऊपर है, माँ भाई देखो SP साहब नू तो चाहते हो भाई बॉर्डर मारे पतुड़वादे हो तो हम बॉर्डर के ऊपर भी जाने में तैयार हैं, कदे नू मानते हो ने, अगर ये चाहते हो शांतिपूर्ण तरीके से इस मामला को निपटाते हुए तो आप बताओ SP साहब से परिवार उनका बच्चों का परिवार उनको चिंता है, छोटे छोटे बच्चे उनके उनके बच्चों का परिवार सारे कहा रहे हैं
उनसे मिले एसपी साहब, तो मैंने एसपी साहब को फोन किया था, उन्होंने कहा कि 4 बजे आपका डेलीगेट मतलब उनके परिवारों के बच्चे और आपके जो भी 4-5 मौजूद आदमी आप जो चुनोगे वो 4 बजे नरवाना एसपी जींद जो है मिलने के लिए आपसे तैयार है। अभी आज हमारा केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा, सोमवार तक का आज हम समय दे रहे हैं क्योंकि इतवार की छुट्टी हुआ है। भाई आज केवल प्रदर्शन भर है और इसमें किसी प्रकार की हमने शांति भंग नहीं करनी है। यहां से जो प्रदर्शन हुआ मेरा इतना जरूर निवेदन है भाई, एक भी साथी उस प्रदर्शन तक बाहर ना हुई हो। शेरा की गिनती है लोकतंत्र में, हमारे द्वारा ना लाठी ना जेड़ी कुछ नहीं है, लेकिन जो भाई घर तक चल के आया है एक आधा भाई की आदत हो फोन सुन लायक जाए दूर वो नुकसान करेगा, उसका आने का अर्थ नहीं बनता। सारे भाई लाइन में ये बैनर फोटो उनके लेके न सारे भाई लाइन में चलेंगे। और इतनी सी मेरी बात थी, बाकी कोई बात अगर बच गई तो भाई सुशील नरवाल है, बहन प्रियंका हूं तुम चलेगी बात चल लगी जो आप पिछले 3 साल तक मांगन लाग रहे मांगा तो 2011 तक सा स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट और एमएसपी तो उस खेतर इन बालका खेतर है जो ठैया लागेगा कट्ठा है वो को नहीं का एमएसपी की लड़ाई नारी लड़ांगे रे इन बालका की नारी या लड़ाई शुरू करांगे आप 2 दिन बाद अल्टीमेटम 2 दिन का दे 3 दिन का दे कमेटी बनाएगी ओड़ है ना को नेता बना दे ना और ओड़ा बनेगा नेता जो सही सामने आवे तब अपना नेता बन जाएगा वह एक कमेटी बन जाएगी सामने आओगे तो आज तो इन बड़का खेत्र पहला ही ज्ञापन देवांगे आप अरे टेम देवांगे वो टेम इनके परिवार गल बतलाया कर 5-7 सियाने बूढ़े बैठे उनको गल बतलाया कर वो टेम तो मैं देख लियो 2 दिन का देना है 3 दिन का ज्ञापन दे की जा रही है कल 18 तारीख ने। मैं मेरी बात बताऊं यार कह तो दम बोलन क्यों दिया यारो और मत बोलो कोई भी मैं तेरी को नहीं बताऊंगा यार मैं कल 18 तारीख को क्योंकि ये बच्चे किसानों की मांग के लिए भीतर गए हैं और अक्षय नरवाल का भी मैसेज 2 मैसेज आए अक्षय नरवाल के जेल के अंदर से। एक उसने कहा भाई जो भाई मेरे साथ में जेल में है चाहे किसी भी तरीके है चाहे तम आंदोलन लड़ो चाहे तम कोर्ट में अर्जी ला की जमानत लाओ उसने कहा है पल्ले हुआ भाई बाहर होने चाहिए भाई उससे पल्ले में बाहर जेल में होता पानी टेकूंगा जब मैं एकला कटवा लिया तो। और दूसरा संदेश यह दिया है भाई जो लड़ाई किसानों की है वो लड़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है उस लड़ाई को भी जिंदा रखना है। वो संदेश मैं आपको देना चाह रहा था कि कल 18 तारीख को खेड़ी चौकटा के अंदर हम हजारों ट्रैक्टरों के साथ कल 18 तारीख को कूच करेंगे बॉर्डर के ऊपर हजारों ट्रैक्टरों के साथ। अभी तक हरियाणा एक्टिव नहीं है लेकिन कल तक हरियाणा खेड़ी चौकटा में इकट्ठा होकर ये बताएगा वो जो आंदोलन करने वाले साथियों से बातचीत करके 18 तारीख ने तय करांगे वो ये कहेंगे खनौरी बॉर्डर तोड़ना है तो खनौरी तोड़ांगे और जो वो कहेंगे दिल्ली बॉर्डर तोड़ना है तो दिल्ली तोड़ांगे और सरकार को ये दिखा देंगे हरियाणा का किसान कमजोर नहीं है। कल की डेट है इसलिए आप सब और इनकी मांग भी 18 तारीख वाले कार्यक्रम में भी 7 मर होगी ये बात मैंने आपको बतानी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।